आरसीबी की तरफ से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो गाइस मैं आप सभी को बड़ी खबर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस अगर आप लोग आरसीबी के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो फटाफट अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आईपीएल फैन आर्मी के साथ, आरसीबी फैन आर्मी के साथ, और गाइस साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे सभी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं आरसीबी की तरफ से कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को एक वीडियो में कवर किया, माइक हसन गाइस अभी सारे T20 लीग को यहाँ पे देख रहे हैं, और गाइस वो देखने के बाद गाइस उन्होंने जो कि एक अनाउंसमेंट भी किया था कि गाइस हमें एक ताबड़तोड़ ओपनर की जरूरत है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि गाइस वो लोग यहाँ पे जेसन रॉय को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जेसन रॉय जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं गाइस यहाँ पे आरसीबी बहुत ज्यादा टारगेट करने वाले, अगर वो एक फॉरन प्लेयर को भी खिला देंगे तो गाइस उतना ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक ताबड़ ओपनर की जरूरत है। जैसे कि गाइस उनको विराट कोहली के ऊपर कोई भी प्रेशर ना आ सके और विराट कोहली लंबे समय तक खेल पाए, और अगर विराट कोहली लंबे समय तक खेल पाएंगे तो गाइस आरसीबी के लिए ज्यादातर फायदा रहेंगे। तो गाइस ऐसे भी माइक हसन ने जो कि इसके ऊपर पूरा डिटेल्स हमें बताया था, और गाइस उन्होंने जो कि एक और खिलाड़ी को जो कि चुन लिया है, और गाइस उनके ऊपर टारगेट करने वाले हैं आरसीबी की टीम मैनेजमेंट। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यहां पे जेसन रॉय के ऊपर टारगेट कर सकती है, अगर जेसन रॉय किसी भी तरह अपने उनके हाथ से निकल जाते हैं तो इस खिलाड़ी के ऊपर वो टारगेट कर सकते हैं। तो इस खिलाड़ी का मैं आपको नाम बताता हूँ, उस खिलाड़ी का नाम है गाइस यहां पे सिमंस जी। हाँ गाइस लंडन सिमंस के ऊपर गाइस यहां पे आरसीबी की टीम पूरी निगाहें रख रखी है, और गाइस सीपीएल में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं लंडन सिमंस, ऐसे में गाइस अभी उनको ऊपर टारगेट करना बहुत ही जायज है, क्योंकि गाइस अभी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं लंडन सिमंस। जैसे कि आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स की दूसरी टीम है नाइट राइडर्स, तो गाइस एसके की तरफ से खेल रहे हैं, और ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स भी उनको ऊपर टारगेट जरूर करेगी। तो गाइस ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स तो टारगेट करेगी, और गाइस अभी आरसीबी की टीम भी अब लग पड़ी है, और गाइस उनके ऊपर पूरी तरीके से जो कि टारगेट करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। एक धमाकेदार ओपनर की शुरुआत चाहिए, और गाइस ऐसे धमाकेदार ओपनर इनको मिल भी चुका है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या माइक हसन ने इसका पूरी तरीके से सही यूज किया है, क्या ओपनर आरसीबी के लिए सही होगा, क्या विराट कोहली इस ओपनर को चॉइस कर पाएंगे, सही से पार्टनरशिप कर पाएंगे, आपका जो भी ओपिनियन है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दो, और आरसीबी की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।